ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है रथ जो अभिमन्यु का जो फंसा हुआ था, वो आपको यहाँ पे रथ देखने को मिलेगा। काफ़ी भव्य और बड़ा बनाया जा रहा है, और महाभारत का जो चक्र भी हुआ था उस स्ट्रक्चर से यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है। मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से बन रहा है दोस्तों। ये देखिए पंडाल का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है, और अभी अभी निर्माण हो रहा है तो काफ़ी मस्त लग रहा है, और जब पूरा हो जाएगा तो और भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। ये देखिए अभी इस तरह से निर्माण हो रहा है, और कुछ आपको डिजाइन दिख रहे हैं, ये पीला पीला आपको जो डिजाइन दिख रहा है दोस्तों, ये काफ़ी भव्य और काफ़ी मस्त दिख रहा है, और इसको सुशोभित करता है, ये पंडाल को काफ़ी सुशोभित कर रहा है। चलिए हम और भी आपको जानकारी देते हैं और दिखाते हैं आप लोगों के यहाँ का पंडाल किस तरह से बन रहा है। बाहर से नज़ारा आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा बकरी बाजार का पंडाल का, और पूरा गोल बनाया जा रहा है, और जो भारत का जो इतिहास महाभारत में जो हुआ था, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, वो यहाँ पे इतिहास को दोहराया जा रहा है, वो रांची झारखंड में। और बाहर का दृश्य मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए जब लाइटिंग वगैरह होगा ना तो और भी काफ़ी मस्त लगेगा। नहीं रहा है, लेकिन जो दुर्गा माँ का प्रतिमा बन रहा है वो भी काफ़ी विशाल बन रहा है दोस्तों। ये देखिए इतना विशाल आपको प्रतिमा देखने को मिलेगा, और चारों तरफ आपको ये देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल यहाँ पे प्रतिमा बनाया जा रहा है, ये दुर्गा माँ का प्रतिमा। अभी हालांकि मिट्टी से इसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब कलरफुल हो जाएगा तो इस बार का जो बकरी बाजार का पंडाल बनेगा दोस्तों, वो काफ़ी लाजवाब रहेगा। और होने के बाद और भी खूबसूरत हो जाएगा दोस्तों। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा नज़दीकी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से व्हाइट व्हाइट से चढ़ा हुआ देख सकते हैं, ये सीढ़ी जैसा नमूना बनाया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, और चारों तरफ आपको इस तरह रेड कलर का इस तरफ कलर किया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है ये लकड़ी का सारा कुछ बना हुआ है। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल का डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, और ये देखिए ऊपर में इस तरह का डिजाइन किया गया है। रांची का सबसे नंबर वन पंडाल में से एक ये भी रहता है, और रांची के जाने माने पंडाल जितने भी रांची में पंडाल बनते हैं उसमें से ये रातू रोड का पंडाल भी आता है दोस्तों। ऊपर में साइड डालेंगे जो ऊपर आपको दिखाया गया उसमें ये डालेंगे, तो ये देखिए ये लोहा से बनाया गया है। और चलिए हम लोग अंदर की तरफ भी देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को किस तरह का यहाँ पंडाल बन रहा है। यह माता शेरावाली का जो यहाँ पे प्रतिमा लगेगी, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे माता शेरावाली की प्रतिमा लगेगी, उसके बाद अंदर का डिजाइन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है डिजाइन। और इधर पाइप वगैरह लग रहा है देख सकते हैं, अब जो डिजाइन दिख रहा है वो पाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रेड कलर का ये जो कलर किया गया है। यहाँ पे अंदर घुसने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपको इस तरह से डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है देख सकते हैं, रेड कलर का डिजाइन बनाया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और इसी के ऊपर वो गुंबद बनाया गया है, ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ आपको इस तरह डिजाइन देखने को मिलेगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं हम मिस्त्री साहब की पंडाल किस तरह से बन रहा है। तो भैया पंडाल किस तरह का डिजाइन बन रहा है यहाँ पे? ये डिजाइन मतलब कोई थीम का है? अच्छा, काल्पनिक का है? काल्पनिक है, यस। अच्छा, किस चीज का मतलब? मतलब ये मेरा पंडाल का सिर का ऊपर में एक पेड़ का मूर्ति ये है, उसका नीचे जोगी बैठेगा। अच्छा, जोगी बैठेगा। हाँ, वो चढ़ने के लिए ये सीट जड़ा दिखाया जा रहा है ना। हाँ, अब इसमें चढ़ने का कोई मतलब नहीं, शो में लगा रहा है, तो ऊपर बैठेगा, इसके नीचे से आदमी देख पाएगा। अच्छा, देख पाएगा ना। तो लगभग पंडाल का कितना बजट आया होगा इस पंडाल में? कितना कितना बजट आया होगा पंडाल का? पंडाल का बजट वो मालिक के बारे में बताते, अभी मान लो 50-60 लाख, 40 लाख का ऊपर है। 40 लाख का ऊपर ना। हाँ। कितना आदमी काम करते हैं आप लोग? अभी 15-20 आदमी है। अच्छा, 15-20 आदमी है। और लगभग पंडाल कब तक बन जाएगा? ये पंचमी का उद्घाटन है, इसमें पंचमी में उद्घाटन हो जाएगा? उद्घाटन होगा। अच्छा बजे, लेकिन हम लोग चौथी में छोड़ देगा। अच्छा, पंडाल चौथी में आप लोग कंप्लीट करके दे दीजिएगा ना। तो आप लोग कहाँ से आए हैं पंडाल बनाने के लिए? हम लोग पूर्व मेदिनीपुर कोंटाई से।
बंगाल, बंगाल से, बंगाल से आए हुए हैं। जितना भी कारीगर है आपका सब बंगाल का कारीगर है ना? सब बंगाल का कारीगर है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग एक ही रांची का, जितना रांची में आए हैं आप लोग, हाँ। कितना दिन लग गया है पंडाल बनाने में आप लोग को? पंडाल बनाने में तो हम लोग मतलब गांव में जिस टाइम था एक दो महीना काम किया उसको तैयारी करने में, उसका आने के बाद इधर हम लोग डेढ़ महीना आ गया। डेढ़ महीना से पंडाल बना? हाँ, डेढ़ महीने। अच्छा, और इस पंडाल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए भैया, जिससे लोगों को ना पता हो, मुझे भी ना पता हो, वो थोड़ा बता दीजिए हम। ये पंडाल का कोई मतलब काल्पनिक का है, इसमें बांस का बना हुआ है और लोहे का भी काम है और लकड़ी का काम है, प्लाई का काम है, पाइप का काम है, अंदर में जो वायरिंग वाला पाइप होता है उसमें कुछ काम है। और कुछ मतलब डिजाइन किस तरह अंदर से बनाया जा रहा है और बाहर से किस तरह डिजाइन बनाया जा रहा है? डिजाइन तो बाहर का तो डिजाइन लगा हुआ है, लेकिन ये प्लाई का बोर्ड का ऊपर से टिश्यू पेपर है, उसके बाद कलर पेंटिंग होगा, कलर पेंटिंग होने के बाद इसको लगाया हुआ है। अंदर में पाइप का काम है ज्यादा, अंदर में पाइप का ज्यादा, पाइप का काम है। तो सबसे डिफरेंट रहने वाला इस बार दुर्गा पूजा पंडाल रहा, हाँ। कम एरिया में आप लोग बढ़िया बना दे रहे हैं पंडाल, लेकिन भैया जी 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 है कि एरिया बकरी बाजार का पंडाल का देखिए एरिया उसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। रेलवे स्टेशन का पंडाल का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग कम एरिया में इतना बढ़िया पंडाल बना दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। इसमें अगले साल क्या हुआ था, जाएगा था, पैसेज था, अच्छा इसलिए बड़ा बनाया था, हम लोग भी बनाया था अगले साल में। अच्छा, इस साल में ये ओवर ब्रिज होने के बाद ये जाएगा थोड़ा छोटा हो गया, क्लोज हो गया, इसलिए छोटा डिजाइन में बना रहा है, छोटा डिजाइन में बना। आदमी ये जाने आने के लिए तो उसको जाएगा चाहिए ना, जाने आने के लिए बहुत भीड़ होता है इसमें। चलिए, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलकर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है बुबई। आप यही मिस्त्री काम करते हैं ना? यही मिस्त्री है आप ना? चलिए, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का यहाँ पे चित्रण किया गया है पंडाल का, और ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से फ्रंट गेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है रातू रोड का। ये बीच में जो दिया जा रहा है व्हाइट कलर का, वो काफी खूबसूरत लग रहा है, और ये गुंबद दिख रहा है, ये काफी खूबसूरत लगने वाला है। और जितना भी पंडाल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ का पंडाल के बारे में, ये जो पंडाल हो रहा है इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो किताब दिया हुआ है। अच्छा, हर चीज उसमें अंदर है ऐसा लगे, ठीक है, इसीलिए खड़ा किया है। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ पे पंडाल का नाम है, पंडाल का नाम है, और यहीं पे लगाया जाएगा मूर्ति ना? मूर्ति नहीं, ये इसके ऊपर और कुछ भी लगेगा क्या? ना, कुछ भी नहीं लगेगा, ये किताब है। हाँ। जैसे हर आदमी को लगे जो इस किताब में हर कुछ है। अच्छा, ठीक है, ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है। हाँ। उसके बाद फिर अंदर अंदर तरफ क्या लगाया गया, चलिए बताइए। तो बताइए भैया, ये क्या है, ये जो राक्षस का फोटो बना हुआ है ये क्या है? ये है पीछे, इसका नाम है रक्तबीज। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर खड़ा है, और वो पास में वो जो बॉल दिखाई दे रहा है ना जाली में, वो है डीएनए, डीएनए का रूप दिया है। अच्छा, बॉल के अंदर ये डीएनए है। हाँ, डीएनए मतलब जितना राक्षस का डीएनए होता है, राक्षस का नहीं है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आजकल का दिन में क्या हो रहा है, लड़की का जो घोटाला हो रहा है ना, इसीलिए गर्भ में ही, गर्भ में ही बेटी को मार रहा है, मार रहा है, यही चीज दिखा जा रहा है। डीएनए का इस तरह का बनाया गया है ना डिजाइन, जब सेटिंग हो जाएगा तब दिखेगा। अच्छा, डीएनए का अभी टंगा हुआ है ना, मालूम नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और बताइए भैया पंडाल के बारे में यहाँ पे। चलिए भैया जी बताते हैं पूरा डिटेल में पंडाल के बारे में। हाँ भैया, ये पंडाल आगे या फ्रंट गेट में क्या लगा है भैया, ये देखिए, और जो घड़ी दिखा जा रहा है वो है, लगता है वो हर आदमी को लगे जो पुराना दिन का घड़ी है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर टांग के रखा है, मतलब वहाँ पर और भी एक चीज लगेगा, वहाँ पर जो चीज ताला चाबी का जो चीज दिख रहा है ना, वहाँ पर एक ताला लगा हुआ है, लगेगा। अच्छा, हर आदमी को लगे जो ताला से लक किया जा रहा है, मतलब ये प्राचीन काल का जो घड़ी यूज करते थे वही घड़ी का यहाँ इस्तेमाल करके आपको दिखाया जा रहा पंडाल में, किस तरह प्राचीन काल में घड़ी यूज होता था ना भैया। हाँ, हाँ, वही। तो चलिए बहुत बढ़िया। और कंकाल में, कंकाल का क्या लगाया गया घड़ी में? कंकाल का जो है ना घड़ी। अच्छा, है ना। अच्छा, घड़ी का जो 1 2 3 होता है उसके जगह पे कंकाल रख दिया गया है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी में कंकाल रख दिया गया है, और अंदर तरफ क्या बनाया भैया थोड़ा वो डिटेल में। ये भैया ये क्या है, ये बीच बीच में ये हड्डी का डिजाइन बनाया गया है, थीम दिया हुआ है। अच्छा, एक हड्डी का थीम है। अच्छा, तो अंदर आओ आदमी से पता चलेगा। अच्छा, और क्या यहाँ पे, ये सब बताइए भैया, ये कंकाल सबका ये सब क्या है? ये एक एक डिजाइन किया हुआ है हर कंकाल का, वो जो पहले से आपको बोला है मैंने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, वो इसीलिए हर एक कंकाल का चीज है।
उसका डिजाइन क्या गया? डिजाइन किया गया है। उसके बाद अंदर में और क्या डिजाइन किया गया? अंदर जो चीज है वो जो बोला आपने, मैंने पहली बार जो बेटी को जो गर्भ जो बात है ना, गर्भ में जो मार देते हैं उसको बचाने के लिए, गर्भ के अंदर जो चीज है सब कुछ दिखा जा रहा है अंदर। अंदर में हाँ, मतलब गर्भ में जो चीज होता है, जो बिकता है वो अंदर में पंडाल के अंदर भी दिखा जा रहा है। अच्छा, चलिए भैया बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे गर्भाशय में जब बेटी लोग रहते हैं तो अंदर में क्या क्या रहता है वो सारा कुछ यहाँ पे देखने में। देखो का निशानी है ये सब हड्डी वगैरह ना। हाँ। तो चलिए और भी दिखाई दिया, जो खतरा का निशानी है उसके लिए यहाँ पे हड्डी वगैरह दिया गया है कि भ्रूण नष्ट ना करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो यहाँ पे संकल्प से यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफी बढ़िया और काफी सुंदर पंडाल बनाया जा रहा है। तो थोड़ा बताइए भैया, यहाँ साइड साइड में जो दिया गया है ये क्या है, ये क्या है भैया, थोड़ा बताइएगा। ये एक डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, ये डिजाइन किया गया है, ये कंकाल वगैरह दिया गया वही संकेत दे रहा है कि अब बेटी को अगर मारेंगे तो आपको खतरा होगा आने वाला दिन में, यही बताया गया है ना भैया। और ये भी यही बताया गया है ना। हाँ। ये संकेत दे रहा है ना, एक शिक्षा दे रहा है। और अंदर में बताइए क्या क्या यहाँ पे, और ये सब जो बताए भैया, ये सब बर्तन वगैरह क्यों लगाया गया भैया पंडाल में? जो आपको मैंने बताया था जो ये अंदर गर्भाशय है ना। अच्छा, गर्भ का वो हर चीज दिखा जा रहा है। और मतलब रहा है ठीक। अच्छा। है जो ये बर्तन वगैरह। हाँ हाँ। उसके पहले ये देखो, ये जो ये क्या है भैया, जो ये अस्पर्म है ना। हाँ, ये अस्पर्म का निशानी दिया गया है ना। हाँ, वही बच्चा जब जो फोटो है देखो दिखा मतलब यहाँ पे अस्पर्म किस तरह चलता है गर्भाशय में वो यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह का यहाँ फोटो यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं इस तरह अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद जो इस तरह से बर्तन से खेलेंगे वो दिखाया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये भैया ऊपर में क्या दिखाया गया, ये जो आदमी का जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा वगैरह होता है वगैरह वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है ना भैया। और ये क्या है भैया, अंडाशय वगैरह, ये जो गर्भाशय में जो अंडा वगैरह रहता है, अंडाशय वगैरह रहता है वो यहाँ पे दिखाया गया ना भैया। हाँ। ये अंडाशय है। और ये चमकीला वाला क्या है भैया? चमकीला वाला वही अंदर जो है चीज इधर उधर अतली पतली जो रहता है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब गर्भ का पूरा यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे गोल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा गर्भाशय का यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है दोस्तों। और उसके बाद इधर भी आपको यहाँ पे बर्तन वगैरह दिखाया गया है जहाँ पे आपको बच्चा पैदा होने के बाद आपको क्या करना है वो सारा कुछ यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। और ये गोल गोल जो व्हाइट व्हाइट क्या है भैया, ये अंडा से है ना। हाँ, अंडा, अंडा है ना। हाँ। जो गर्भाशय का अंदर में अंडा रहता है वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। हाँ, ना भैया वही चीज है। उसके बाद ये फैन वगैरह भी दिखाया गया भैया? फैन नहीं है, उसके अंदर वो एक डिजाइन किया गया है। अच्छा, डिजाइन किया गया। हाँ। गर्भाशय के अंदर में मतलब कुछ इस तरह का डिजाइन किया गया जो अच्छा लगे। अच्छा लगे ना। चलिए, सबका अपना अपना थीम है और इस पंडाल का सबसे अलग थीम है दोस्तों। और ये बताइए, ये सब क्या लगा हुआ है? ये कमल का फूल लगा हुआ है। कमल का फूल नहीं है, वो है केला। वो जो गर्भाशय का किला हुआ है देखो। हाँ हाँ। किला है वो, एक किला है संकेत दे रहा है जो गर्भाशय में जो है। हाँ हाँ। वो नष्ट ना किया जाए। अच्छा, नष्ट ना किया जाए है ना। हाँ, एक और ये अंदर में जाने के बाद ये आपको देखने को मिले, ये क्या है भैया? ये जन्मभूमि का एक चीज है। अच्छा, ये है जन्मभूमि। ये जन्मभूमि। हाँ। आप अंदर से घुसिएगा तो यहाँ पे अंदर का जन्मभूमि देखने को मिलेगा। हाँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जन्मभूमि पे। और यहाँ पे जन्मभूमि पे ये सब जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये जन्म लेने के बाद है ना। हाँ, जन्म लेने और ये सब गर्भाशय का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ना भैया। हाँ, वही ये गर्भाशय का स्ट्रक्चर है। और ये पत्ता वगैरह सारा कुछ का डिजाइन बनाया गया है कि आप पृथ्वी में आ चुके हैं। तो पृथ्वी में आने के बाद आपको इस तरह आपको जहाँ पे हरियाली और पत्ता वगैरह सारा कुछ देखने को मिले। ये कलर होगा क्या भैया पत्ता? ना, वो तो व्हाइट ही रहेगा कि कलर रहेगा? ओरिजिनल पत्ता है। ओरिजिनल पत्ता है ये? हाँ। मजाक नहीं कर रहे भैया? नहीं, ओरिजिनल पत्ता है। ओरिजिनल पत्ता है। हाँ। तो देख सकते हैं ओरिजिनल पत्ता यहाँ लगाया गया है दोस्तों। उसके बाद अंदर की तरफ थोड़ा बताइए भैया, यहाँ पे क्या आपको दिखाया गया है, क्या है यहाँ? ये है भारत का जो मैप है वो है अखंड भारत। पहले भारत, ये अखंड भारत का तस्वीर देखने को मिलेगा ना। तो ये इसका क्या मकसद है बनाने का? इसका मकसद है पहले सब एक साथ था ना अखंड भारत, उसके बाद इंडिया अलग हुआ। हाँ हाँ। वही संकेत दे रहा है जो हमने जो भारत माता का रूप है जो दुर्गा माँ, वही भारत माता का रूप किसीधर भी निभा रहा है। अच्छा, और ये भैंसासुर है ना? हाँ, भैंसासुर है वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे आएंगे। हाँ, काम करने के लिए साइड में रखा। माता का पंडाला मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट गेट देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अंदर तरफ जाके देखते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का पंडाल किस तरह है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो हरमू में इस तरह का पंडाल बनाया जा रहा है, काफी बड़ा और काफी भव्य बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, इसके आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे पानी भरा जाएगा और इसे तलाब बनाया जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को बारीकी से दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरह का छोटे छोटे मंदिर का निर्माण किया गया है इसमें, जहाँ पे इस मंदिर का
इस मंदिर में जो पंडाल बनाया जा रहा है, इस मंडाल का जो यह निर्माण किया जा रहा है, यह है लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ पे यह गुजरात पे स्थित है उसी का प्रारूप दिया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं इनका प्रारूप इस तरह से, और छोटे छोटे इस तरह का मंदिर में और छोटे छोटे मंदिर इस तरह बनाया जा रहा है पंडाल में, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देख सकते हैं दोस्तों। और फ्रंट गेट भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देख सकते हैं फ्रंट गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे मूर्तियाँ भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर मूर्तियाँ, और आप लोग को देख सकते हैं ये यहाँ पर छोटे छोटे मूर्तियाँ इस तरह से बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग वगैरह का मूर्ति बनाया गया है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कार्तिकेय वगैरह की मूर्ति बनाया गया है, और यहाँ देख सकते हैं जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह का मूर्तियाँ बनाया गया है हर मंदिर में। और देख सकते हैं ये है राधा कृष्ण का मूर्ति यहाँ पे बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग बना, इस तरह से छोटे छोटे खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देख सकते हैं शेष, और ये देख सकते हैं छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं काफ़ी यहाँ पे बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गोल्डन कलर से डालने के बाद और भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूँ दृश्य, गोल्डन कलर के बाद और भी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह का दृश्य, यहाँ पे हरमों का जो पंडाल बन रहा है वो किस तरह दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी कलर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये रांची का सबसे नंबर वन पंडाल में से एक रहने वाला है ये दोस्तों। ये देखिए और इस तरह का छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी बनाया गया है, और नज़दीकी से दिखाता हूँ इस तरह से देख सकते हैं सोने की परत जैसा चढ़ाया गया है, इस तरह से गोल्डन कलर का यहाँ पे कलर किया गया है, और भगवान की मूर्तियाँ इस तरह से पंडाल में बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए और आपको इस तरह का नज़र आएगा, दूर से आपको इस तरह से पंडाल नज़र आ रहा है, और चलिए इस तरह का मूर्ति यहाँ पर लगाया गया है। आगे का फ्रंट गेट का आपको इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इधर छोटे छोटे मूर्तियाँ यहाँ पर बनाया गया है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं सारे भगवान के यहाँ पर मूर्तियाँ इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद ये छोटे छोटे मंदिर में यहाँ पे मंदिर जो बनाया गया है उसके अंदर यहाँ मूर्ति रखा जाएगा, और कलर करने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि लग रहा है कि सच में हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। ये देख आप देख सकते हैं हम लोग घुसने के बाद नवरात्रि चालू हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं गोल्डन कलर से किस तरह से यहाँ पर पंडाल को सजाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऊपर की तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस तरह से आपको खूबसूरती नज़र आएगा यहाँ पे, जब रात में जब यह पंडाल सजेगा और भी खूबसूरत लगेगा, और जब पंडाल खुल जाएगा तो और भी अच्छा लगने लगेगा दोस्तों। ये देखिए अंदर घुसने के बाद गोल्डन परत से इस तरह सजाया गया है, ये देख सकते हैं ऊपर में झूमर भी लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह झूमर लगाया गया है जो काफ़ी सुशोभित कर रहा है पंडाल को, और अंदर का दृश्य आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए पंडाल का अंदर का दृश्य आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और पंडाल खोलने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा। जब लाइट जलेगा तब हरमू का जो पंडाल है वो काफ़ी बड़ा और बढ़िया लगने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं दुर्गा माँ का प्रतिमा इस तरह यहाँ पे रखा गया है बगल में, और पंडित जी अभी देख सकते हैं पाठ वगैरह पढ़ रहे हैं। तो नवरात्रि चालू हो चुका है, तो नवरात्रि चालू होने के बाद आपको इस तरह से पंडाल अभी खुला नहीं है दोस्तों, पंडाल खुलने में भी टाइम लगेगा। और ऊपर का झूमर दिखा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से ऊपर का झूमर आपको देखने को मिलेगा, ये झूमर लगाया गया है ऊपर में जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, और सोने की परत जो चढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों ये प्लास्टिक का एक्चुअली बना हुआ है, पर यहाँ पे सोने की परत इस तरह चढ़ाया गया है, चारों तरफ यहाँ पे सोने की परत चढ़ाया गया है देख सकते हैं। बस जितना भी ये कलर किया गया है ये कलर नहीं है एक्चुअली में, ये कपड़ा है और कपड़ा से बनाया गया है। ये देखिए पूरा मैं आप लोग को दूर से दृश्य दिखा रहा हूँ इस तरह से। हरमू का पंडाल वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आप लोग को मैं पहला वीडियो दिखाया था हरमू पंडाल का तो पूरा व्हाइट ही नजर आ रहा था, लेकिन कलरफुल होने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपको नजर देखने को मिलेगा, और काफी बड़ा और काफी भव्य बन रहा है। 60 लाख का पंडाल जब हरमू में बन रहा है तो समझ सकते हैं कि इसकी बजट काफी बड़ी है, और यहाँ पे लाखों भीड़ आने वाले हैं दोस्तों। और इसकी खासियत बात यह है कि हरमू का पंडाल में जो छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाए गए हैं, और छोटे छोटे मंदिर का जो निर्माण किया गया है, जो लक्ष्मी नारायण पंडाल बनाया गया है मंदिर का प्रारूप दिया गया है जो गुजरात में स्थित है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आपको पीछे इस तरह से नज़र देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ का पंडाल कैसा लगा। भैया यहाँ पंडाल कैसा लगा आपको? हमें तो सचमुच लग रहा है कि एक मंदिर है एकदम। अच्छा मंदिर, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब पंडाल नहीं आ गए हैं, सच में गुजरात का मंदिर जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वैसा लग रहा है ना एकदम। हकीकत में एक मंदिर का अति होता है ना स्ट्रक्चर, वैसा लग रहा है पूरा उसका प्रारूप दे दिया एकदम, प्रारूप दिया गया, फोटो कॉपी कर दिया गया एकदम, टू कॉपी एकदम उतार दिया गया। मतलब जैसे तस्वीर में फोटो कॉपी कलर जेरोक्स करते हैं ना उसी तरह यहाँ जेरोक्स कर दिया गया, जस्ट लाइक
चलिए भैया से जानते हैं, आपको कैसा लग रहा है भैया यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मंदिर का मतलब कुछ बताइए, यहाँ का मतलब सच का मंदिर जैसा लग रहा है या फिर पंडाल है, आपको कैसा लग रहा है? हम रांची में ही रहे और यहाँ से बाहर नहीं गए। अच्छा, तो जो भी है अच्छा है, सब जगह से अच्छा है। आपको भैया थोड़ा बताइए, आप ये भी एक यूट्यूबर हैं, तो भैया क्या नाम हुआ आपका? अविनाश नाम हुआ मेरा। अच्छा, आपका यूट्यूब में कौन सा चैनल है? अविनाश। अच्छा, तो थोड़ा बताइए भैया मंदिर के, वहाँ पे जो मंदिर निर्माण किया गया है वो काफी खूबसूरत लग रहा है, तो भाई मंदिर और जो पंडाल है उसमें तो अंतर ही नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया। जस्ट कॉपी ही पेस्ट किया गया। और रांची के हम जहाँ तक और भी पंडाल हम घूमे हुए हैं उसमें नंबर वन पंडाल हमको अभी दुर्गा लगा में लगा। तो बकरी बाजार टक्कर दे पाया गया? हो सकता है, दे सकता है। जहाँ बकरी बाजार का जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे चक्रव्यूह, महाभारत का अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह है उससे रिलेटेड वो पंडाल वहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कि पूरा सच में कॉपी पेस्ट किया। अभी तो अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है जब लाइट इसमें फोकस होगा रात्रि के टाइम तो और अच्छा लगेगा, निखर के आएगा। तो दोस्तों अब अगर आपको रात का अगर सीन देखना है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा और मैं नाइट का सीन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो क्या बोल रहे थे भैया आप? पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसका और नजारा अलग रहेगा, और रात में तो और अद्भुत दिखेगा ना। अद्भुत दिखेगा, एकदम अद्भुत दिखेगा। और छोटा छोटा मंदिर जो ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई तीर्थ स्थल में आ गए हैं हम। हाँ जरूर, कहे नहीं, एकदम अच्छा दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। मतलब झारखंड का टॉप पंडाल में से एक रहने वाला है। हमको तो मेरे अंदाज से ना कोई शब्द नहीं है कि बोल सकते हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया। शुरुआती दौर में जब हम आए थे तो उसमें ही लगता था कि क्या बन रहा है, उसके बाद अभी तो काम अभी और इन प्रोग्रेस में है, जब बन जाएगा तो उसका स्वरूप तो देखने का नजारा ही कुछ और होगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का पंडाल और लोगों का जो रिव्यू है वो यहाँ पे आपको जानने को मिला, और आइए इस बार का हरमू का जो पंडाल है वो देखना ना भूले, क्योंकि यहाँ का जो स्वरूप दिया गया है वो काफी सुंदर और काफी भव्य और काफी बड़ा दुर्गा पूजा का यहाँ पंडाल बनाया गया है दोस्तों। तो इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करते हुए जाइएगा दोस्तों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद। फ्रंट में देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं जो इस तरह का यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है, और ये देखिए हाथी है दोस्तों, और इस तरह का यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है। चलिए अंदर की तरफ दिखाता हूँ कुछ दृश्य यहाँ का, ये देख सकते हैं रांची का सबसे डिफरेंट पंडाल में से एक रहने वाला है ये दोस्तों। भारत का कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पे नाट्य दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ फ्रंट में इस तरह का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुशोभित लग रहा है, और रांची का सबसे डिफरेंट पंडाल में से एक रहने वाला है। और इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे नाट्य जो होता है साउथ इंडियन कल्चर का, वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऊपर में देख सकते हैं इस तरह से आपको एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला करके इस तरह से यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है, जहाँ पे इस तरह का आपको पंडाल सजाने को मिलेगा। तो रांची का सबसे डिफरेंट पंडाल होने वाला है गाइस, बूटी मोड़ का जो पंडाल है वो सबसे डिफरेंट रहने वाला है। चलिए हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह का यहाँ पे पंडाल रहने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है, सजाया गया है, और लाइटिंग होने के बाद और भी खूबसूरत लगने वाला है ये पंडाल। इधर भी इस तरह का मूर्ति बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबसे फ्रंट में ये आपको ये देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये मुटका जो बनाया गया है ये माँ का, दुर्गा माँ का, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं और दिखाते हैं आप लोग यहाँ का सजावट किस तरह है। ये देख सकते हैं अभी पंडाल हालांकि नहीं खुला है, क्योंकि अभी पश्चिमी षष्ठमी को ये खुलेगा पंडाल, उसके बाद ऊपर का सीन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ सजाया गया है, और यहाँ का अंदर का लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम का जो यहाँ पे दृश्य है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों तरफ आपको इस तरह से यहाँ पे मूर्ति लगाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे नाट्य दृश्य यहाँ पे लगाया गया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जो व्हाइट से सजाया गया है पंडाल को वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, लाइटिंग होने के बाद और भी सुशोभित करेगा पंडाल। और ये देख सकते हैं दुर्गा माँ का प्रतिमा इस साइड लगाया गया है, जहाँ की आपको देखने को मिलेगा पेपर से ढका हुआ, पर अभी ये ओपन नहीं हुआ है। चलिए आप लोग को यहाँ पे जानकारी, यहाँ पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि यहाँ किस तरह का पंडाल बनाया गया है, और चलिए हम इनसे पूछते हैं कि पंडित जी बताइए कि यहाँ किस तरह का पंडाल बनाया गया है और कौन सा थीम्स के द्वारा बनाया गया है? ये बुट्टी मोड़ महावीर शिवाजी चौक समिति के द्वारा बनाया गया, यह साउथ का आपका डिजाइन बना हुआ है। अच्छा, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें दर्शाया गया अनेक श्रद्धालुओं को, रांची में पहला बार अच्छा इस प्रकार का पंडाल को देखा जाएगा। सर थर्माकोल का काम हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ थर्माकोल लगाया गया है, और जो नाट्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो पंडाल से बाहर, लोगों को आकर्षण करने के लिए है, उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए और
उनका स्वागत के लिए सब अनेक प्रकार का आप दृश्य देख सकते लगाया गया है। अच्छा, और रांची में इस प्रकार का पहला हो रहा। ये पंडाल कब तक खुल जाएगा ये आपका? ये पंचमी को खुलेगा। पंचमी खुलेगा जी। अब लाइटिंग वगैरह जब रात का नजारा उसका तो अलग अद्भुत नजारा दिखेगा। लाइटिंग अगर बात करें तो लाइटिंग आपका ये जो यूनिक लाइट लगाया गया है। अच्छा, मतलब रात को तो अद्भुत दिखने वाला है। जी, अद्भुत दिखेगा। तो आप लोग आना ना भूलिए बुट्टी मोड़ का पंडाल। और भी कुछ बताइए यहाँ का पंडित जी की, यहाँ का जो किस तरह का पूजा पाठ और किस तरह का पूजा पाठ? बहुत अच्छी, आज चंद्र घंटा तीसरा दिन आज पूजन का, तो माँ चंद्र घंटा का पूजन हुआ है, वैदिक पूजा हुआ है, कलश स्थापन हुआ है। और हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और हम लोग पांच पंडित हैं, सारे लोग। माता रानी का बहुत ही भव्य मूर्ति है, देख सकते हैं आप। ये हमारे जजमान लोग बैठे हैं और मुख्य लोग हैं, सारे लोग बहुत धूमधाम से मिलकर, श्रद्धालु लोग का उमड़ के भीड़ आने वाली है और बहुत सारे भक्त लोग आएंगे। और कुछ प्रशासन का तो व्यवस्था आ गए? प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर ही। और सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे, सीसीटीवी का भी कैमरा का उपलब्ध है। वॉलंटियर वगैरह रहेंगे यहाँ? जी, वॉलंटियर लड़के लोग रहेंगे। मतलब लेडीज का जो और जेंट्स का, लेडीज का अलग वॉलंटियर रहेंगे। ये दो भाग देख सकते हैं, बनाया गया जेंट्स के लिए, एक लेडीज के लिए। अच्छा, ये दो भाग किया गया है, एक लेडीज रहेंगे, एक जेंट्स रहेंगे और वॉलंटियर रहेंगे। एक निकासी द्वार इधर से किया गया, प्रमुख द्वार उधर से है और एक द्वार उधर से, आप देख सकते हैं। माताओं बहनों को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली? दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पे पंडाल का दर्शन कीजिए और दुर्गा माँ का दर्शन कीजिए। क्या पंडित जी, जी चलिए आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? रघुराज मिश्रा। चलिए चलिए, थैंक यू। आप लोग को बुट्टी मोड़ का पंडाल वो मैं दिखा दिया और रांची का जितना भी पंडाल है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और टॉप 5 पंडाल में से ये भी एक पंडाल रहने वाला है दोस्तों। और जो बुट्टी मोड़ का पंडाल है ये काफी सबसे अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भारतीय नार्थ, जो साउथ इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है और भारतीय नृत्य जो जैसे होता है वो यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और बाहर में आपको ये देखने को मिलेगा, ये बड़ा सा आपको जो चेहरा देखने को मिलेगा, देवी माँ का जो प्रतिमा बनाया गया है, मुटका बनाया गया है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये मूर्तियाँ पंडाल को और भी सुशोभित कर रहा है और भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर दिख रहा है दोस्तों। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करिएगा। और मेरे चैनल मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जरूर बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट चाहता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ये देख सकते हैं दोस्तों। अभी कचहरी पथ के रास्ते में आपको इस तरह का पंडाल देखने को मिलेगा जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इसका मुकुटा देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सुंदर बनाया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये दुर्गा मंदिर है जो बिहार क्लब दुर्गा समिति के द्वारा चलाया जाता है और इस तरह का यहाँ पे पंडाल देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आप लोग को दिखाते हैं रांची का पूरा पंडाल, टॉप 10 पंडाल जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया पंडाल बना हुआ रांची में, वो सारा विजिट करवाते हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ का पंडाल कैसा है। ये देख सकते हैं गांधीनगर का आपको पंडाल, यहाँ पे इस तरह हाथी का सीन देखने को मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं ये है, और हाथी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चित्रण किया गया है। और इधर भी आपको देखने को मिलेगा काफी सुंदर चित्रण किया गया है। और ये गांधीनगर का पंडाल आपको देखने को मिलेगा, काफी बड़ा और काफी भव्य बनाया है। और रांची का हर पंडाल में से एक ये गांधीनगर का पंडाल भी काफ़ी बड़ा रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं और सजावट कैसा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। गांधीनगर का पंडाल देखिए इस तरह से फ्रंट से देखने को मिलेगा, ये पूरा ये देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है और कलर आपका इसी तरह से देखने को मिलेगा। और लाइटिंग लगने के बाद और भी अच्छा दिखने लगा दोस्तों। चलिए अंदर की तरफ ये देखते हैं और किस तरह का यहाँ सजा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं जगह जगह पर यहाँ पे हाथी राजा का यहाँ पर फोटो इस तरह से बनाया गया तस्वीर, और देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे सजा हुआ है अंदर की तरफ। इधर अंदर की तरफ आइएगा तो माँ भवानी का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दुर्गा माँ का यहाँ पे लगेगा प्रतिमा, और जो इस तरह सजाया गया है यहाँ पे, और इस तरह के ऊपर तरफ झूमर तरफ लगाया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं पंडाल में इस तरह अंदर में काफ़ी अच्छा सजाया गया है, फूल वगैरह यहाँ पे, झूमर वगैरह सारा कुछ सजाने सजाएंगे। उसके बाद अभी हालांकि अभी काम चालू है, देख सकते हैं अभी झूमर वगैरह लग रहा है दोस्तों। अंदर आपको गांधी मैदान यहाँ पे देख सकते हैं गांधीनगर में इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ जा दुर्गा माँ का प्रतिमा लगेगा दोस्तों। यहीं पे इस तरह सजावट हो रहा है, ये देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह इस तरह से लगाया गया है गांधी मैदान में। ये जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है गांधीनगर का पंडाल जो थर्माकोल के मदद से इस तरह से बनाया गया है और कलरिंग इस तरह से किया गया है, देख सकते हैं
काफी खूबसूरत और काफी लाजवाब लगता है। और रांची के पंडाल में से एक ये भी गांधीनगर का पंडाल भी रहता है दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरा तस्वीर आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये हाथी वगैरह का पिक्चर और राजा वगैरह का पिक्चर यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, मुक्टा बनाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे थर्माकोल की मदद से इस तरह से यहाँ पे पंडाल का सजाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। गांधीनगर मैदान का जो पंडाल बनता है गांधीनगर का, वो काफ़ी सुंदर और अद्भुत बना हुआ है दोस्तों। 2023 का मैं ये दुर्गा पूजा पंडाल दिखा रहा हूँ, ये गांधीनगर का जो पंडाल है वो किस तरह सजा हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। और अंदर की तरफ का सजावट भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देख सकते हैं अंदर तरफ का खूबसूरत का काफ़ी सजावट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये दिखा रहा हूँ मैं, ये दुर्गा पूजा बरियातू का जो पंडाल बना हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हैं, और काफ़ी लाजवाब बना हुआ है। और इस तरह का मुकुट वगैरह जो आदिवासी जिस तरह से रहते थे झारखंड में, उसका यहाँ पे दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है बरियातू पंडाल के द्वारा। ये देख सकते हैं बरियातू दुर्गा पूजा पंडाल समिति के द्वारा इस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है। और देख सकते हैं ये है मंदिर, और बगल में यहाँ पे पंडाल वगैरह सर बना रहता है और इस तरह से यहाँ पे सजाया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे झारखंडी आदिवासियों का जो है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह आदिवासी झारखंडी आदिवासी रहते थे उसका यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिलेगा दोस्तों।